मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहां पर हम यूजीसी नेट जीआरएफ फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करती हूं मेरे सभी प्रिय साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ साथियों, वो यह है कि मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, हमारे बहुत सारे साथियों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे साथी इस बात से अवगत नहीं हैं, इसीलिए वो मुझे मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि मैडम बता दीजिए। और आपको पता है कि जैसे अभी ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाँ संख्या बढ़ रही है निरंतर। तो एक साथ सभी को रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो वो टॉपिक ये है कि मैडम प्रथम पेपर में हम कितना अंक लाएं। तो मैं प्रथम पेपर की ही बात नहीं करूँगी, दोनों पेपर को मिला के बात करूँगी कि आपके पास कितना अंक होना चाहिए, आपका स्कोर कितना होना चाहिए कि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। साथियों देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको एक सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है जब तक, तब तक ही आप असफल रहते हैं। जहाँ से आपको सही गाइडेंस मिलने लगती है, जहाँ से आपको सही मार्गदर्शन मिलने लगता है, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलने लगता है, वहीं से आपकी जर्नी जो है सफलता की ओर चल सकती है ना। जब तक आपको ये लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, या आपको कोई एक शब्द आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि भाई आप तो नहीं कर सकते हो, आपके बच्चे हैं, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब करते हो, आपकी ये जे इतनी हो गई है, आपके पास ये नहीं है, हाँ एक ये शब्द जो है ये आपको असफलता की तरफ ले जाता है। समय लग सकता है आपकी सफलता में, लेकिन यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आप निश्चित सफलता हासिल करते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे साथी ऐसे ही जुड़े हैं, है ना। और एक बात और कहना चाहूँगी कि असफलता वहाँ से निश्चित हो जाती है जहाँ से आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास नहीं करना छोड़ते तब तक आप असफल कैसे हो सकते हैं, आप स्वयं को असफल कैसे मान सकते हैं। दूसरा कह रहा है उसको कहने दीजिए, वो अलग है, आप अलग हैं, सभी की अपनी प्रकृति होती है। न जल मिट्टी बन सकता है, न मिट्टी जल बन सकती है, है ना। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। पहले आपको पता ही होगा कि प्रथम पेपर जो है उसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी का सामान्य होता है, सभी सब्जेक्ट का और सभी जो एग्ज़ाम होते हैं सभी में सेम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 अंक का पेपर होता है प्रथम पेपर। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा दिया जाता है, 60 मिनट दिए जाते हैं। दूसरा आपका पेपर जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट का, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक का होता है, इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। ये होता है निगेटिव मार्किंग, अभी नहीं है, आगे की कोई संभावना नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि बहुत अधिक जगह बहुत सारे एग्जाम जो है अब निगेटिव मार्किंग में होने लगे हैं। तो प्रयास कीजिए कि आप विदाउट निगेटिव मार्क, जो निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, उसके आप सफलता हासिल कर लें, ठीक है। तो चलिए देखिए, यूनिट सभी को पता होगा कि ये टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तार्किक अभिव्यक्ति है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसको ICT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसमें जो भी चीज़ें आती हैं, इन्वायरमेंट से प्रश्न आते हैं, हायर एजुकेशन से प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 50 क्वेश्चन जो बनते हैं। और आपका सब्जेक्ट जो है वो आपके सिलेबस के अनुसार होगा कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर की बात करें उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, यदि आप निश्चित सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप चल रहा है, हमारा ग्रुप जो है वहाँ पे बहुत सारे नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य के। यदि आप जुड़ना चाहते हैं निश्चित सफलता के लिए तो मैं आपको बता देती हूँ, 2019 से हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ था और अब तक यहाँ पे सैकड़ों विद्यार्थी हमारे साथ सफलता हासिल कर चुके हैं, जिसमें अधिकतर लोग जो हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, मतलब हाउसवाइफ हैं, ऐसे लोग हैं जो जॉब करने वाले हैं और स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। तो खासकर सभी हैं,
कुल मिला के, और एजेड भी हैं विदाउट, मतलब जिनकी एज है अभी वो लोग भी हैं, ऐसा है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं अभी भी आपके पास टाइम है, नोट्स लेकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। नंबर हमारा है 9076657508, ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक पर। मित्रों, टॉपिक ये है कि आपको जो मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं, कम से कम आप देखिए, जब टारगेट आप यहाँ ये खींच दिया है कि यहाँ तक पहुँचना है, तो हमेशा बड़ा टारगेट बनाओ। अगर टारगेट बड़ा बनाओगे तो कम से कम तक तो पहुँच ही जाओगे, है ना। अब आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो कम से कम आप समीक्षा अधिकारी है, और एसटीएम वगैरह है, एडीएम वगैरह है, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, उन पर फिर भी पहुँच सकते हो अगर आपका सही डिसीजन है और सही लक्ष्य है, है ना। जैसे अब मैं बताती हूँ कि टारगेट आपको कितना बनाना है। टारगेट आप 50 क्वेश्चन में रखिए कि मुझे 40 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलिए। अब परीक्षा पैटर्न है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पहुँचे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको जितना ज़्यादा आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मतलब समय कम पड़ जाएगा आपकी तैयारी में, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी जी जान से मेहनत करो। तो कम से कम 30 प्रश्न आप तब भी सही करके आएंगे, है ना, और 30 प्रश्न अगर सही हो गए, 30 नहीं हुए तो 25 तब भी हो जाएंगे, ठीक है। असफलता मतलब नेट GRF का टारगेट बना के रखे हो तो GRF नहीं तो नेट तो भी मिल जाएगा, कैसा भी परीक्षा पैटर्न हो, कभी टफ हो जाता है, कभी कहीं कहीं मतलब बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो टारगेट हमेशा बड़ा रखो। वहीं आपका जो सेकेंड पेपर है उसमें भी आप 80 प्लस लेकर चलिए कि हमें 80 प्लस लाने ही हैं। मुझे लगता है आपको तो 85 प्लस रखना चाहिए, और इतना नहीं होगा तो सब कम से कम 70 प्रश्न तब भी सही हो जाएंगे। अब इतना अगर आपका हो गया तो निश्चित आपका GRF हो जाएगा, GRF की बात कर रही हूँ, और अगर इतना नहीं होता है, इससे कम होता है, तो निश्चित आपका नेट हो ही जाएगा, है ना। तो ये है, मैं मार्क्स बता रही हूँ, और कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग जाता है। सबसे हाई कट ऑफ जाता है जनरल का, फिर OBC का, फिर SC ST आते हैं, और फिर अलग अलग कैटेगरी आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे हाई कट ऑफ जो है उसी को लेकर मैं चलती हूँ जनरल में, क्योंकि आपका जो टीचर आपको जो यहाँ पे टीच कर रहा है वो खुद उसको फेस कर रहा है ना, तो मैं उसको लेकर ही आपको यहाँ पे पढ़ाई करा रही हूँ कि आप निश्चित सफलता हासिल करें, ठीक है। तो यदि आप डेली क्लासेस को लेना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। शाम 4:30 बजे हमारी थ्योरी क्लास होती है, फर्स्ट पेपर की बहुत सारी क्लासेस मैंने दी हैं, और शाम 7:30 बजे हिंदी साहित्य की होती है, रात्रि 10 बजे हिंदी की होती है। और मैंने 5,000 प्रश्नों का जो ये क्लास स्टार्ट किया था उसकी काफ़ी क्लासेस पड़ी हैं, उसको आप देख सकते हो। साथ ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और यदि ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर सकते हो, ओके। धन्यवाद।